नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन गुरु जी में। आज के इस वीडियो में एक बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। युवराज सिंह, भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, यानी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। भारतीय फैंस या युवराज सिंह के फैंस के लिए दुख भरी खबर है, लेकिन सारे वीडियो में इसी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे न्यूज अच्छे से समझ में आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बिग अपडेट आप देख सकते हैं, युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। टीम इंडिया के चैंपियन ऑलराउंडर युवराज सिंह ने आज क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। युवराज सिंह भारत के दो वर्ल्ड चैंपियन, 2007 में वर्ल्ड T20 और 2011 में वर्ल्ड कप दोनों टीमों का हिस्सा रहे और दोनों ही टूर्नामेंट में उन्होंने अपने प्रदर्शन की खास छाप छोड़ी, यानी कि 2011 और 7 का तो T20 वर्ल्ड कप था, दोनों में ही विजेता रही भारतीय टीम। तो ये आप देख सकते हो युवराज सिंह की नम आंखों से भरी हुई तस्वीर, जिसमें वो संन्यास की घोषणा कर रहे हैं। आगे कुछ इस तरीके से है, टीम इंडिया के चैंपियन ऑलराउंडर युवराज सिंह ने आज क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। युवराज सिंह भारत की दो वर्ल्ड चैंपियन 2007 में और T20 और वर्ल्ड कप 2011 की टीमों का हिस्सा रहे और दोनों ही टूर्नामेंट में उन्होंने अपने प्रदर्शन की खास छाप छोड़ी। 2017 के बाद से ही उनका चयन भारतीय टीम में नहीं हो पा रहा था। बताया जा रहा था कि 37 वर्षीय युवराज सिंह ICC से मान्यता प्राप्त विदेशी T20 लीग में बतौर फ्रीलांस क्रिकेट करियर बनाना है। उन्हें GT20 कनाडा, आयरलैंड और हॉलैंड में यूरो T20 स्लैम में खेलने के ऑफर मिल रहे हैं। युवराज ने कहा कि काफ़ी समय से लग रहा था कि अब वो आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। यह स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आखिरी बार भारत के लिए फरवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। इससे पहले वह चैंपियन ट्रॉफी 2017 और इसके बाद वेस्टइंडीज दौर पर गई भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने अपने करियर का आखिरी वनडे मैच 30 जनवरी 2017 को वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगुआ में खेला था। युवराज सिंह का आखिरी वनडे मैच 30 जनवरी 2017 को खेला गया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, वो वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगुआ में खेला गया था। इसके अलावा आगे देख सकते हैं, युवराज सिंह ने रिटायरमेंट के दौरान जो शब्द कहे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अपनी इस रिटायरमेंट का ऐलान युवराज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बचपन में मैंने अपने पिता का देश के लिए खेलने का सपना पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ अपने क्रिकेट करियर को याद करते हुए कहा कि अपने 25 साल के करियर और खासतौर पर 17 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, अब मैंने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। इस खेल ने मुझे सिखाया कि कैसे लड़ना है, गिरना है, फिर उठना है और आगे बढ़ना है। इसके अलावा युवराज सिंह ने यह भी बताया कि यहाँ एक क्रिकेटर के तौर पर कामयाब होने का श्रेय मैं अपने पिता को दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, मैंने अपने पिता का सपना पूरा किया है। इसके अलावा युवराज सिंह ने रिटायरमेंट के समय एक और बात कही कि उन्होंने बताया IPL के दौरान वह सचिन से रिटायरमेंट पर बात कर रहे थे, तब यूवी बोले सचिन ने मुझसे कहा था कि तुम्हें तय करना कि कब अपना करियर ख़त्म करना है, तुमसे बेहतर कोई भी यह फैसला नहीं ले सकता। तो ये बात सचिन ने कही थी उनको कि तुम खुद अपने करियर के बारे में तय करोगे कि आपको अपना करियर कब ख़त्म करना है, यह फैसला आपसे बेहतर कोई नहीं ले सकता। इसके अलावा पंत को सराहा बताया किस बात का मलाल। युवराज सिंह से पूछा गया कि उन्हें किस बात का मलाल रहेगा, इस पर उन्होंने बोला कि उन्हें ज़्यादा टेस्ट मैच न खेलने का मलाल रहेगा। अगले सवाल में उन्होंने पूछा गया कि किस खिलाड़ी में वह अपनी छवि देखते हैं, इस पर वह बोले कि ऋषभ पंत अच्छे खिलाड़ी है और उसमें उन्हें अपनी छवि दिखती है। आगे के लिए यहाँ आप युवराज सिंह के जो रिकॉर्ड्स है वो देख सकते हो। टीम इंडिया के धमाकेदार क्रिकेटर युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। युवराज को टीम इंडिया के शॉर्टर फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार किया जाता था। उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट खेले हैं, 304 वनडे और 58 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2011 में चैंपियन बनाने में युवराज का अहम रोल रहा था। गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए युवराज ने वर्ल्ड कप 2011 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने का श्रेय हासिल किया था। लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप के बाद युवराज की सेहत से जुड़ी जो खबर सामने आई थी उसने उनके फैंस और भारतीय टीम को झकझोर दिया था। युवराज सिंह के फेफड़े में कैंसर ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था और उन्हें इसके इलाज के लिए लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था। युवराज इस ट्यूमर की पीड़ा के साथ ही वर्ल्ड कप में खेले थे और उन्होंने यह बात किसी को जाहिर नहीं की, तब वह भारत के लिए हर मैच में खुद को लगातार साबित कर रहे थे। तो ये एक लंबी वजह हो सकती है कि भारतीय टीम में एक सलामी बल्लेबाज युवराज सिंह को जगह नहीं मिल पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि उनको कैंसर की बीमारी के कारण काफ़ी
दिनों तक इस क्रिकेट से दूर रहना पड़ा और उसके बाद इन्होंने क्रिकेट को ज्वाइन किया तो उससे मतलब इसमें काफ़ी दिक्कतें हो गई थी, वो वाला जो फॉर्म रहती है वो दोबारा नहीं आ सकी, इस वजह से उनको भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई, ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है आगे के लिए। आप इसमें देख सकते 2007 का जो वर्ल्ड कप T20 हुआ था उसमें इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड की एक ओवर की गेंदों में, जो स्टुअर्ट ब्रॉड थे इंग्लैंड के, उसके एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के इन्होंने लगाए थे और इस मैच में सिर्फ 12 बॉलों पर बनाए अर्धशतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है, यानी 12 गेंदों पर युवराज सिंह ने सबसे कम गेंदों पर 150 बनाई थी, जिसमें उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड की जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे उनकी गेंदों पर 6 छक्के लगातार जड़े थे, इसलिए वो आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो दोस्तों ये थी युवराज सिंह से जुड़ी कुछ खास बातें और खास जज्बे और दुख भरी खबर है आपके सामने, युवराज सिंह ने संन्यास ले लिया। बाकी मौज करो ऐश करो, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।